हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है 5G। वाई 5G? जब हमारे पास 2G, 3G एंड 4G सब था ही, तो हम लोग को 5G का जरूरत क्यों पड़ा? ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो में देखेंगे कि 5G का हम लोग को जरूरत क्यों, इसमें इसके साथ साथ आर्किटेक्चर और इंटरफेस भी है, जो कि इससे पहले हम देख भी चुके हैं पहले वाली वीडियो में। मैं लिंक में डाल दूंगा वो वाली वीडियो, इसमें भी एक क्लिप है आर्किटेक्चर इंटरफेस का। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं 5G क्या है और क्यों जरूरत पड़ा। जबकि 5G जो है 4G की जो स्पीड थी उससे 10 गुना ज़्यादा स्पीड 5G की है। ठीक है, 4G नेटवर्क ज़्यादा लोगों के आने से कंजेस्टेड हो गया था, और एवरेज स्पीड इसकी 1 से 1.5 MBPS और लेटेंसी 100 से 150 मिली सेकेंड रह गई थी, तो हमें स्पीड भी सही से नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो और 4G का जो स्पेक्ट्रम यूज करता था उसमें ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी नहीं होती थी, और बढ़ते पॉपुलेशन के साथ फ्यूचर में ज़्यादा यूज भी होंगे, और साथ साथ ऑटोमेटेड मशीन और सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी डेवलप हो रहे हैं, IoT वगैरह सब। तो अवश्य बात है कि हम लोगों को यानी 4G से तो ये सब काम बनने वाला था नहीं, क्योंकि एक ही डिवाइस अभी सही से नहीं चल पा रही है इस पर 4G पे, बाकी ऑटोमेटेड कार तो पॉसिबल ही नहीं था। तो हम लोगों को 5G का इसलिए जरूरत पड़ रहा था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो 5G में मतलब कितनी ज़्यादा स्पीड मिलेगी और क्या उसका लेटेंसी होगा। सबसे पहले ये देख लीजिए आर्किटेक्चर, इसमें क्लिप आर्किटेक्चर मैंने बोला था ऐड किया हुआ, तो इसमें आर्किटेक्चर आप देख लीजिए। इसमें एक यूजर इक्विपमेंट है जो कि आपका मोबाइल या कोई भी डिवाइस हो सकता है, और जो कि AMF के थ्रू GNODB से कनेक्ट है। अब GNODB क्या है, जैसे 4G में eNODB, 3G में NODB वगैरह होता था, 2G में BTS होता था, उसी तरह इसमें भी GNODB है। और इसका बाकी क्या है? जो फंक्शन वगैरह होगा हम आगे इस पर वीडियो बनाएंगे, इसका जो आर्किटेक्चर है, इसके जो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, जो हार्डवेयर यूज हो रहे हैं, उसका क्या यूज है वो सब हम बनाएंगे वीडियो। ठीक है, तो अभी हम आते हैं इसके स्पेक्ट्रम पे, 5G में कौन सा स्पेक्ट्रम यूज होगा। तो इसमें चूंकि 3 स्पेक्ट्रम हम लोग के पास है, सब 1 GHz, सब 6 GHz और मिलीमीटर वेव। सब 1 GHz क्या है, सब 6 GHz क्या है, और मिलीमीटर वेव क्या है, इसको हम देखते हैं। तो सब 1 GHz में क्या क्या है कि वो लो बैंड स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे आप लिखा हुआ देख भी सकते हैं, सब 1 GHz में लो बैंड स्पेक्ट्रम है ये, और इसकी इसमें मैं बैंडविड्थ कितना है, 600 से 700 MHz। इसकी चूंकि स्पीड भी स्लो है 100 MBPS अप्रोक्स के, और इसका लेकिन कवरेज ज़्यादा है, इसका कवरेज काफ़ी ज़्यादा है, तो और बट स्पीड 100 MBPS जो कि शेयर्ड होती है वो आपको मिल रही है। दूसरा स्पेक्ट्रम है सब 6 GHz, ये मीडियम बैंड है, इसमें आपको 3.5 से 4.2 GHz इस आपको बैंडविड्थ मिल जाएगी, और बट इसकी स्पीड 1 GBPS है, मतलब ये भी शेयर्ड है बट स्पीड 1 GBPS है इसकी, बट इसका रेंज एज शॉर्ट है और मीडियम कवरेज एरिया है, मतलब एज कंपेरिजन टू सब 1 GHz इसकी इसका रेंज जो है उससे कम है, उससे थोड़ी कम है, और मतलब मीडियम है जो मिलीमीटर वेव है उससे ज़्यादा, और 716 से कम है। तो अब आते हैं हम अगले स्पेक्ट्रम पे, मिलीमीटर वेव। मिलीमीटर वेव क्या है, ये जो है ये हाई बैंड स्पेक्ट्रम है, इसमें आपको मिल जाएगी लगभग 24 से 100 GHz की का बैंडविड्थ इसमें आपको मिल जाएगा, और इसकी लेटेंसी 1 मिलीसेकंड बताया जा रहा है, और ये सुपर फास्ट है, मतलब 20 CBPS आपको इसमें मिल सकती है, बट इसका रेंज काफ़ी कम है एज कंपेरिजन टू सब 1 GHz और सब 6 GHz। मिलीमीटर वेव की रेंज काफ़ी कम है, और बट एक चीज़ है इसमें है क्या, मान लीजिए 1 स्क्वायर मीटर में अगर 1 मिलियन डिवाइस भी अगर यूज हो रहा है तो 5G इसको आराम से हैंडल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से हैंडल कर लेगा 5G। और शॉर्ट रेंज मतलब होता क्या है इसमें 5G में, क्या होगा कि इसकी बैंडविड्थ इतनी ज़्यादा, मतलब 24 से 100 GHz है, तो इसका इस रेंज मैक्सिमम 100 से 200 मीटर होगा, मतलब अगर एक टावर के रेंज में अगर मान लीजिए 2-3 बिल्डिंग आ जाती है, 2-3 दीवारें आ जाती है, तो ये इसका जो रेडियो वेव है वो उसको पार नहीं कर पाएगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वो उतने दीवार को पार नहीं कर पाएगा, तो ये एक एडवांटेज इसका रहेगा। बट उसका भी उपाय है, उसका भी तरीका है कि किस तरीके से इसको इसके रेंज को इंक्रीज किया जाए,
वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। और ये एक बैंडविथ का आपको एक स्पेक्ट्रम में दिखा रहा हूँ कि इसमें देखिए 4G कितना मिला था, मैक्सिमम 6 GHz, फिर 6 GHz से 24 GHz जो है वो 4.9G था, फिर 24 से 100 GHz, मतलब 24 से 100 GHz अप्रोक्स, मतलब कितना इतना ज़्यादा लार्ज मिलीमीटर वेव इसको मिल रहा है, जो कि 2G 3G 4G तीनों में किसी के पास इतना नहीं था। ऑब्वियसली बात नहीं होगी, तभी ये 5G है। 24 से 100 GHz सिर्फ और सिर्फ 5G को बैंडविड्थ दिया गया है। मतलब कंसीडर कीजिए, एक आदमी अगर 5 से 7 इंटरनेट बेस्ड डिवाइस यूज कर रहा है तो ये उसको आराम से नेटवर्क दे सकता है और अच्छे से, और इसका स्पीड भी 20 GBPS तक है जो कि शेयर्ड है, बट आराम अच्छा खासा स्पीड आपको मिल जाएगा। और फ्यूचर में जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार वगैरह सब आ रही है, IoT बेस्ड जो सेल्फ ड्राइविंग कार वगैरह आ रही है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें ड्राइवर तो होगा, ड्राइवरलेस कार होगा, तो वो इंटरनेट पे ही चलेगी। और अगर आपको इंटरनेट सही से ना मिले, मतलब कुछ एरिया में मिल रहा है, 100 मीटर चले इंटरनेट मिला, सही चला गाड़ी, फिर कोई 50 मीटर नहीं मिला, फिर आगे जाके इंटरनेट मिला, अगर इस तरीके से मिलेगा, और मान लीजिए या बफर कर करके इंटरनेट मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है फिर तो एक्सीडेंट होना फिक्स है। तो 5G में लेटेंसी भी काफ़ी कम है, मतलब 1 मिली सेकेंड, जो कि प्रैक्टिकली बताया गया है, जो लैब में टेस्ट किया गया है, 1 मिली सेकेंड इसका मैक्सिमम स्पीड बताया गया है। और इसके बाद है क्या, अगर जो यूज में जब आएगा 5G, तो मे भी 4-5 मिली सेकेंड लेटेंसी इसका हो, बट दैट्स फाइन, उतना आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे 4G में क्या होता था, 100 से 150 मिली सेकेंड होता था, और उसके पास उतना बैंडविड्थ भी नहीं था कि वो ज़्यादा डिवाइसेस को हैंडल कर सके, तो उसमें इंटरनेट भी स्पीड भी काफ़ी स्लो मिलती थी, बहुत जगह पर मिल भी नहीं पाती थी इंटरनेट की स्पीड। अभी भी बहुत जगह नहीं मिल पा रही है, लेकिन 5G में ऐसा कुछ नहीं होगा, 5G के पास इतना ज़्यादा बैंडविड्थ है कि वो हर एक एरिया में अपना नेटवर्क दे सकता है। अब आते हैं इसको कैसे इन्हांस कर, यानी इसके नेटवर्क को कैसे इंक्रीज करेंगे, मतलब इस रेंज को कैसे इंक्रीज करेंगे। तो इसका इसका कुछ उपाय है, जैसे माइक्रोसेल लगा करके या बीम फॉर्मिंग करके। तो माइक्रोसेल में क्या होगा, माइक्रोसेल होता होगा हर एक 100-200 मीटर पे आपको माइक्रोसेल लगा हुआ मिल जाएगा बड़े शहरों में, जो कि नेटवर्क को बूस्ट करेगा, जो कि नेटवर्क को इन्हांस करेगा, और उस पर्टिकुलर एरिया में अच्छा खासा नेटवर्क आपको बूस्ट करके देगा वो। तो माइक्रोसेल में आपको ये फीचर आराम से मिल जाएगा, और मैक्सिमम जगह वही लगाया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर एक 100-200 मीटर पर टावर लगाना पॉसिबल है नहीं, है भी नहीं, और दूसरी वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ जाएगी। तो ये क्या करेगा, माइक्रोसेल जो छोटे छोटे टावर्स होते हैं, जो घरों घरों पे छोटे छोटे लगे थे, इस तरीके से आप देख लीजिए, इस तरीके का ये एक मैंने बस क्लिप दिया है, बट इसी तरीके का माइक्रोसेल होता है, जो कि कहीं भी टावर छोटे टावर पे या कहीं भी घर पे या कोई भी लाइट बीम पे कहीं भी ये फिक्स हो सकता है। तो हर एक 100-200 मीटर पे आपको ये लगा हुआ मिलेगा, जो कि आपको नेटवर्क को बूस्ट करके उस पर्टिकुलर एरिया में देगा, माइक्रोसेल का यही काम होता है। अभी जैसे जियो का है इंडिया में, जियो का 4G, वो शायद सैमसंग को भी प्रोजेक्ट दे भी चुका है, और इंडिया में लगभग 2020 के एंड तक आराम से लॉन्च हो भी जाएगा। तो दूसरा क्या उपाय होगा, बीम फॉर्मिंग का। अभी बीम फॉर्मिंग में क्या होगा, जैसे एक कंसीडर कीजिए आपके घर में कोई राउटर लगा हुआ, तो राउटर में क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर जगह पर राउटर लगा हुआ है, वो अपने सर्कुलर एरिया में, पूरे सर्कुलर एरिया में ही बस नेटवर्क प्रोवाइड करेगा वो, और उस सर्कुलर एरिया के अंदर अगर कोई डिवाइस आता है तो उसको वो नेटवर्क देगा, अगर उस सर्कुलर एरिया के बाहर, अगर उसके रेंज से बाहर कोई डिवाइस चला जाता है, तो वो उसको नेटवर्क नहीं देगा। उसमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जिधर डिवाइसेस यूज नहीं हुए, जिधर बंदे नहीं यूज कर रहे डिवाइस, उधर भी वो नेटवर्क देगा, तो बेकार वो जाता है। मतलब उस क्राइटेरिया में क्या होता है कि जो बंदे उसका नेटवर्क यूज कर रहे हैं, उसमें उसको सही से नेटवर्क भी, यानी थोड़ी कम स्पीड मिलती है,
बट बीम फॉर्मिंग में क्या होगा, बीम फॉर्मिंग में क्या होता है कि जैसे किसी एरिया में कोई बंदा यूज कर रहा है नेटवर्क, तो टावर जो है उसको सेंस करके पर्टिकुलर सिर्फ उसी एरिया में नेटवर्क देगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जैसे चार बंदे हैं और चारों बंदे पे ये उसको स्कैन कर करके उधर नेटवर्क दे रहा है, फालतू जिधर बंदे नहीं है उधर नेटवर्क नहीं दे रहा है। मतलब एक एग्जांपल इसको आपको समझा, मान लीजिए कहीं टावर लगा हुआ है, उसके एक तरफ गांव है और दूसरी तरफ जंगल है, तो गांव में जितने बंदे डिवाइस यूज कर रहे हैं, जितने बंदे इंटरनेट यूज कर रहे हैं या इंटरनेट बेस्ड जो कोई भी डिवाइस यूज कर रहा है, तो वो उसको स्कैन कर करके बस उसी रेंज में उसको नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होता है कि फालतू का जो एरिया उधर नेटवर्क मतलब उसको उधर रेडियो देने का कोई जरूरत है भी नहीं, और आपको रेंज भी थोड़ी थोड़ी बढ़ के मिलेगी। मतलब आप अगर नेटवर्क से थोड़ा दूर भी जा रहे हैं तो मैक्सिमम रेंज तक वो आपको नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, और स्पीड भी आपको एज कंपेरिजन टू सर्कुलर एरिया नेटवर्क आपको इसमें स्पीड भी अच्छा खासा मिल जाएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, एक तरफ गांव एक तरफ जंगल है। अब जंगल वाले एरिया में तो कोई डिवाइस यूजर होगा नहीं, कोई जंगली जानवर तो यूज करेगा नहीं डिवाइस, जिधर गांव है उधर बंदे काफ़ी सारे यूजर होंगे, उधर ये नेटवर्क अपना प्रोवाइड करेगा। इन केस अगर कोई बंदा घूमते फिरते कभी जंगल की तरफ चले भी जाता है तो वो डिवाइस यूज करते हुए, तो उसको उसी एरिया में स्कैन करके नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, लेकिन जब उधर यूजर नहीं है तो उसको कोई जरूरत नहीं है उधर नेटवर्क प्रोवाइड करने का। तो 5G में आपको इससे और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, और इसमें जो भी इस वीडियो में खैर इतना ही है, बाकी अगर इसका जैसे जो भी आर्किटेक्चर था उसमें जो भी यूजर हैं, सॉरी जो भी आर्किटेक्चर में जो भी हार्डवेयर वगैरह है उसका क्या यूज है, इसका कॉल फ्लो क्या है, मतलब जितने भी डिटेल्स हैं 5G का, इसका कॉल फ्लो कैसे होगा, कैसे इसका हार्डवेयर वर्क करेगा, हर एक पे मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को सही लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकियों तक भी शेयर कीजिएगा, बाकियों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचाइएगा। थैंक यू, थैंक यू।